नमस्कार दोस्तों, एसएससी 10+2 का एग्जाम समाप्त हो चुका है, आप सभी को पता है। अब दोस्तों सेफ कट ऑफ क्या जाएगी, एसएससी की जो कट ऑफ का एनालिसिस क्या रहेगा, आपका सेफ स्कोर क्या है, उनकी हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करेंगे 2018 की जो कट ऑफ है उसके आधार पर दोस्तों एनालिसिस करेंगे। जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2019 के अंदर आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट यानी सीबीटी फर्स्ट यानी सीबीटी फर्स्ट यानी फेस फर्स्ट का जो रिजल्ट आया था, उनके बारे में हम आपको अपडेट देंगे कि क्या क्या रहा था। तो चलिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जनरल कैटेगरी, एससी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, विकलांग कैटेगरी की बात करें, विकलांग कैटेगरी यस एचएच या फिर ओएच या फिर वीआई, ऑल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों पोस्ट वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट ने जो पोस्ट जो सिलेक्ट की थी, डीईओ, डीईओ के अंदर जो वैकेंसी भी बहुत कम आती है, और 2000 जो 21 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ उनकी भी पोस्टें कम हैं, जहाँ तक बराबर करें बहुत कम है। तो उन कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ है 181, और ओबीसी की कट ऑफ 178 कट ऑफ गई थी, और उसमें 96 कैंडिडेट अवेलेबल थे और यहाँ पर 58 कैंडिडेट अवेलेबल है। टोटल अवेलेबल जो कैंडिडेट हैं 175 उन्होंने पास किए थे। उसके बाद में दोस्तों जो आपकी कैंडिडेट है, ये जो आपकी कट ऑफ है, ये कट ऑफ सेफ कट ऑफ मानी जाती है। अब इसके अंदर सेफ कट ऑफ के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल से कुछ समझाऊंगा और समझ लीजिए एक बार। दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है डीईओ, यह साथ में C+A, देखिए इसकी कट ऑफ 165 नंबर गई है। 200 में से दोस्तों 165 कट ऑफ गई है 2019 के अंदर गई, और अब चल रहा है 2021 के अंदर। तो क्या अंतर रहेगा दोस्तों, क्या अंतर रहेगा, ये पेस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पेस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पीडीएफ भी साथ साथ में बताऊंगा पेस फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों ये आपको मान चलना है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इससे तो कम जनरल कैटेगरी, यस एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और उसके बाद ईएसएम कैटेगरी और ओएच कैटेगरी और एचएच कैटेगरी, तो आपको भूल जाना है, इससे कम आपकी कट ऑफ रहने वाली। उसके बाद में अगर आपने एलडीसी की पोस्ट भरी, दोस्तों एलडीसी की अगर आपने पोस्ट भरी है ना, तो आपके लिए यहाँ आपको फायदा हो सकता है। अगर आपने एलडीसी का पोस्ट है और एलडीसी के अंदर आपने फॉर्म भरा ना, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि एलडीसी की पोस्ट की जो जो आपकी रहने वाली है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम नहीं रहती है, लेकिन तो भी आपकी कट ऑफ के अंदर बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। हजारों विद्यार्थी यहाँ पर पास करने को होते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, 2018 की वैकेंसी के अंदर कुल एलडीसी के लिए 45,000 स्टूडेंट को पास किया गया था। यहाँ पर जनरल कैटेगरी 135 नंबर गई थी। अगर दोस्तों 2021 के अंदर आपकी 135 प्लस नंबर आते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, और आपके बता रहे हैं कि मेरा इतना सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, तो आप 135 नंबर प्लस लाते हैं तो आपका टाइपिंग शुरू कर दीजिए भैया, क्या कर दीजिए, टाइपिंग शुरू। और अगर आप ओबीसी से संबंध है तो आपको ओबीसी 133 तो आपको कम से कम नंबर आपको लाने हैं, यस। उसके बाद में एससी के लिए 99, और एससी की बात करें 110 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 127, और एक्स सर्विसमैन, इसे क्या बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन, आप फौजी के अंदर रिटायरमेंट और एक्स सर्विसमैन है, तो अगर आपके पास 56 नंबर आ रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ओएच की बात करें, ओएच के अंदर 102 नंबर, एचएच की बात करें 58 नंबर, वीएच की बात करें 84, और अदर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल जिसका दिमाग की हालत ख़राब है, वो इस प्रकार से जो अदर जो कैटेगरी के अंदर आते हैं वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टूडेंट कितने गुना पास करेंगे, एसएससी कभी पहले अपडेट नहीं देती कि कितना गुना पास करेंगे, कभी भी ये अपडेट नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के लगभग 8,332 स्टूडेंट, और यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए 7,936, और एससी के लिए 4,191, और ओबीसी के लिए 10,831। क्योंकि दोस्तों बता देता हूँ, जब आपकी
फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट जैसे मान लेते हैं ये कट ऑफ फाइनल लिस्ट तो थोड़ी प्लस जाएगी, क्योंकि इसमें टाइपिंग के भी नंबर आपको जुड़ने वाले, तो टाइपिंग के भी नंबर आपको जुड़ने वाले। तो कुल यहाँ पर 45,000 स्टूडेंट पास किया है, और दोस्तों लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और इनमें से पेस फर्स्ट के लिए 45,000। अब दोस्तों 2021 के अंदर कम से कम ये नंबर तो आपको लेके आने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर है। और भी जो स्टूडेंट है वो हमें जरूर बताइए अपना स्कोर कार्ड, और जल्दी से आंसर की आएगी, आंसर की आते ही हम आपको अपडेट दे देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।